पटखौली चौराहा से एक अदद नाजायज तमंचा व एक के साथ एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। सौसी जनपद के एकोना इलाके के पटखौली चौराहे का मामला, जहां पर लोगों की मदद से एक अदद नाजायज तमंचा के साथ एकोना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, साथ ही इस पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। इकोना इलाके के एक व्यक्ति के साथ ठगी करने वाले दो ठगों को दिल्ली से पुलिस क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। सौसी जनपद के इकोना के निवासी एक व्यक्ति संत कुमार कसौंधन ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था कि हीरो मोटो कार्प लिमिटेड कंपनी के नाम पर उसके साथ लाखों रुपयों की ठगी कर ली गई है, जिसको लेकर श्रावस्ती पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। यशोजी, टीम और क्राइम ब्रांच द्वारा ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो मोटरसाइकिल कंपनी के डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगी करते थे, क्या है पूरा मामला? जनपद श्रावस्ती की क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम द्वारा दो साथी अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा फर्जी वेबसाइट बनाकर एक मोटरसाइकिल कंपनी की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर ठगी की जाती है। वेबसाइट पर आवेदन करने पर कस्टमर का डेटा और उनका डिटेल प्राप्त कर उनसे ये संपर्क करते हैं तथा अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर करा लेते हैं। जनपद के एक व्यक्ति से 6,87,200 रुपये की इनके द्वारा ठगी की गई, जिस पर संज्ञान में आने पर तत्काल अभियुक्त पंजीकृत कराकर गैंग को ट्रेस किया गया है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों से 10 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक कैलकुलेटर, एक हार्ड डिस्क व एक पेन ड्राइव बरामद हुई। दोनों अभियुक्तों के दो बैंक अकाउंट हैं, जिनमें विगत दिनों में लगभग 40 लाख रुपयों का ट्रांजेक्शन हुआ है, उन्हें फ्रीज करा दिया गया।